हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास टेंथ का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सेकंड वीडियो है, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से रिलेटेड है। और फर्स्ट वीडियो में मैं आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में बताया था, और इस वीडियो में आपको फर्स्ट पॉइंट कंडीशन रिक्वायरमेंट फॉर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के लिए हमें क्या क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट है इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर। या तो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो सकते हैं, या लो टेम्परेचर पे हो सकते हैं, या रूम टेम्परेचर पे हो सकते हैं। यानी नेचर में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे रिएक्शन के लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, चाहे वह रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो रहा हो, या लो टेम्परेचर पे हो रहा हो, या एट रूम टेम्परेचर पे हो रहा हो। तो टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिकल रिएक्शन। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ प्रेशर। तो केमिकल रिएक्शन के लिए प्रेशर का भी प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए हाई प्रेशर का भी प्रयोग हो सकता है, लो प्रेशर का भी प्रयोग हो सकता है, या वह रिएक्शन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी केमिकल रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का भी यूज हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाए, लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कैटेलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रोमोटर्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दो पॉइंट आ रहा है नया पॉइंट हम लोगों के लिए, और एक पॉइंट कहलाता है कैटेलिस्ट। व्हाट डू यू नो अबाउट कैटेलिस्ट? हम लोग कैटेलिस्ट किसे कहते हैं, कैटेलिस्ट क्या है? तो कैटेलिस्ट वे सब्सटेंसेज होते हैं जो enhances the rate of chemical reaction catalyst क्या है? catalyst is a substance which enhances the rate of chemical reaction, यानी chemical reaction में जो reactant substances आपस में प्रतिक्रिया करते हैं उसके प्रतिक्रिया करने के rate को, प्रतिक्रिया करने के अरे जल्दी से जल्दी प्रतिक्रिया हो जाए, इसके लिए कैटेलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी कैटेलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच एनहांसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्लियर? अब एक नया शब्द आपके लिए और भी आ रहा है, प्रोमोटर्स। यानी केमिकल रिएक्शन के लिए जैसे कैटेलिस्ट का प्रयोग किया जाता है उसी तरह प्रोमोटर्स का भी प्रयोग किया जाता है। तो प्रोमोटर्स क्या है? प्रोमोटर्स इज अ सब्सटेंस which activate promoters are the substances which enhances the activity of catalyst, यानी catalyst के activity को promoter क्या कर देता है, enhance कर देता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे reaction में catalyst और promoter का requirement होगा ही होगा, लेकिन सारे के सारे reaction में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ प्रेशर, ये बस होंगे। कोई भी केमिकल रिएक्शन विदाउट टेम्परेचर यानी टेम्परेचर के प्रेजेंस में ही होता है, चाहे वो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर का हो सकता है, चाहे वो माइनस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का हो सकता है, या रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो सकते हैं। उसी तरह प्रेशर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो रिक्वायरमेंट है केमिकल रिएक्शन के लिए। तो हाई प्रेशर पे भी रिएक्शन हो सकते हैं, लो प्रेशर पे भी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी। एटीएम प्रेशर का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ एक पॉइंट आपको दिया गया है,
कि कैटेलिस्ट और प्रमोटर के प्रयोग को यूज को हम लोग समझे। तो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस बाय हेवर्स प्रोसेस, हेवर्स प्रोसेस के माध्यम से कॉमर्शियली अमोनिया गैस का प्रयोग बनाई जाती है, अमोनिया गैस मैन्युफैक्चर किया जाता है कॉमर्शियली हेवर्स प्रोसेस के माध्यम से। इस हेवर्स प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को प्रतिक्रिया कराई जाती है, यानी हीट किए जाते हैं Fe और मोलिब्डेनम, MO का मतलब क्या हुआ मोलिब्डेनम और Fe का मतलब आयरन। तो आयरन यहाँ पर कैसा काम कर रहा है, तो आयरन कैटेलिस्ट का काम कर रहा है और मोलिब्डेनम क्या कर रहा है, तो मोलिब्डेनम प्रोमोटर। कहने का मतलब क्या है, बैलेंस कर लीजिए रिएक्शन को, पहले रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। हेवर्स प्रोसेस के माध्यम से कमर्शियली अमोनिया गैस का जो निर्माण किया जाता है उसमें नाइट्रोजन गैस और अमोनिया गैस को हीट किया जाता है आयरन और मोलिब्डेनम के उपस्थिति में। यहाँ पे आयरन कैटेलिस्ट के तरह कैटेलिस्ट के तौर पे प्रयोग किए जाते हैं और मोलिब्डेनम क्या है प्रोमोटर। एक्चुअली प्रोमोटर जो होते हैं पॉइजन होते हैं, प्रोमोटर क्या होते हैं पॉइजन होते हैं। तो अब यहाँ पर इस चीज को समझिए कैटेलिस्ट और प्रोमोटर का यूज क्या है। तो कैटेलिस्ट क्या किया, इस दोनों को क्विकली तुरंत प्रतिक्रिया करा दिया और मोलिब्डेनम क्या कर रहा है, इसको एक्टिवेट कर रहा है आयरन को कि भाई तुम जल्दी से जल्दी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करा दो। तो यहाँ मोलिब्डेनम प्रोमोटर कहलाया, कैटेलिस्ट क्या सॉरी आयरन क्या कहलाया कैटेलिस्ट कहलाया। यानी कैटेलिस्ट क्या है, तो कैटेलिस्ट इज अ सब्सटेंसेस व्हिच एनहांसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड प्रोमोटर इज अ सब्सटेंसेस व्हिच एनहांसेस द एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट। क्लियर। तो हम लोगों को केमिकल रिएक्शन के लिए ये चार चीज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट आ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसे हम केमिकल रिएक्शन समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब गैस निकलेंगे किसी भी सब्सटेंसेस से तो समझेंगे उस सब्सटेंसेस के अंदर में केमिकल रिएक्शन हुआ। चेंज इन कलर, अगर किसी भी सब्सटेंसेस में कलर चेंज कर रहा है दैट मीन्स कि केमिकल रिएक्शन हुआ। चेंज इन टेम्परेचर, यानी केमिकल रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन होने के बाद या तो टेम्परेचर बहुत इंक्रीज कर गया या टेम्परेचर बहुत डिक्रीज कर गया, यानी चेंज इन टेम्परेचर हो रहे हैं सब्सटेंसेस या उसके सराउंडिंग एरिया में, तो हम क्या समझेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का मतलब फिजिकल स्टेट, जैसे कैंडल है एक सॉलिड स्टेट में है और कैंडल को हम जला देते हैं तो कैंडल जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कैंडल इज ए सॉलिड विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एज ए गैस एंड लिक्विड एंड H2O एज लिक्विड। यानी कि फिजिकल स्टेट में चेंजिंग हुआ तो हम क्या समझेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, पीपीटी का मतलब क्या हुआ प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट वो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। प्रेसिपिटेट इज अ सब्सटेंसेस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो अब हम लोग प्रत्येक पॉइंट का इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर एंड चेंज इन स्टेट का हम लोग साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये सारे चीजों का हम लोग स्टडी करेंगे पॉइंट वाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।